अगर आप यूरोप में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को डीप डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को खुद एवेल्युएट कर सकते हैं कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं और आप अपनी एडमिशन स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करें ताकि आपको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे सकें और आपकी जो प्रोफाइल है किस कंट्री के लिए वीज़ा के लिए मैच करती है। ये तमाम तीन डिफरेंट पार्ट्स की प्रोसीडिंग हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर में हाईलाइट करने की कोशिश की है। सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि यूरोप की जो ट्यूशन फीसेज हैं एज कम्पेरेटिवली अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन तमाम कंट्रियों के साथ में कंपेयर करते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फीसेज हैं और साथ में ही आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको 27 प्लस कंट्री का एक्सपोजर मिलता है स्टडी करने के लिए, बिजनेस, व्यापार या फिर सैर सपाटा करने के लिए या फिर फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। ड्यूरिंग स्टडी आपको पार्ट टाइम वर्क परमिटेड देती हैं मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में आपको काम करने की परमिशन मिलती है। इसके अलावा आपको परमानेंट एंड सिटीजनशिप के राइट्स भी कंप्लीशन ऑफ स्टडी के बाद मिलते हैं। आप मेनी ऐसी यूरोप की कंट्रीज हैं जहां पे अपने स्पाउस को साथ में आप लेके आ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन आप कैसे मूव करेंगे, असेसमेंट, एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेस बड़ा क्रूशल एंड बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिगनिंग ऑफ एजुकेशन। यूरोप में स्टडी करने से पहले आप अपनी असेसमेंट करें, अपनी प्रोफाइल को एवेल्युएट करें। आप अपनी प्रोफाइल को एवेल्युएट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी एडमिशन के ऊपर भी, आपके वीज़ा के ऊपर में भी पड़ेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से एवेल्युएट करें कि आप यूरोप की किस कंट्री में क्वालिफाइड हैं, किस कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी आपकी जो है बनती है। इसीलिए हमने मोर सिंप्लीफाई करने के लिए इन तमाम कंट्रीज़ को, यूरोप की तमाम कंट्रीज़ को तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए की वो कंट्रीज़ जो यूरोप में एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव एवं हार्ड पैरामीटर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन, इसके साथ में ही वीज़ा के जो पैरामीटर हैं वो लिटिल बिट हार्ड हैं, जैसे कि जर्मन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये तमाम कंट्रीज़ कैटेगरी ए में फॉल करती हैं। और कैटेगरी बी के अंदर में उन कंट्रीज़ को हमने हाईलाइट किया है जिनकी मीडियम ट्यूशन फीस, मीडियम लिविंग कॉस्ट और जो एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड मीडियम एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू गेट वीज़ा, तो उन कंट्रीज़ को हमने कैटेगरी बी में रखा है, जैसे कि पोलैंड, पोर्चुगल, इटली, स्पेन, लाटविया, लुथिनिया, माल्टा, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, ये तमाम कंट्रीज़ कैटेगरी बी में हैं। और कैटेगरी सी की वो कंट्रीज़ जिनकी मिनिमम एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम एम्बेसी की वीज़ा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा लोएस्ट ट्यूशन फीस एंड लोएस्ट लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उन कंट्रीज़ को हमने कैटेगरी सी के अंदर रखा है। रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मॉन्टीनिग्रो, अल्बेनिया, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं कैटेगरी सी में फॉल करती हैं, ताकि जब भी आप असेस करें क्विकली आप ये अंडरस्टैंड कर पाएं कि आप कैटेगरी ए और कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लिए क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हमने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफाइन किया है। कैटेगरी ए की कंट्रीज जो हाईलाइट की थी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर में, उन कंट्री की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कैटेगरी ए में 12th ग्रेड मिनिमम स्कूलिंग चाहिए आपको, परसेंटेज वाइज नॉट लेस देन 65% एकेडमिक वाइज, आपके स्कोर लेस देन 65 नहीं चाहिए। IELTS 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप कैटेगरी ए में अपने आप को परसू करना चाहते हो फर्दर स्टडी इन यूरोप। टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, अगर आपने बैकग्राउंड कोई टेक्निकल की हुई है और आपने ग्रेजुएशन की हुई है टेक्निकल फील्ड से स्पेशली, तो आपको प्रायोरिटी रहेगी एडमिशन मिलने में। एक्सपीरियंस एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप अपीयरेंस हुए हैं, किसी भी इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने अपीयरेंस दी है जैसे नीट या सैट
इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर में आपने अपीयरेंस दी है, आप बैठे हो, सिटिंग की है आपने एग्ज़ाम में, तो आपको तो भी प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको कंसीडर किया जाएगा। आईलेट्स एग्जम्पशन होगी अगर आपने प्रीवियस स्टडी, जो लास्ट स्टडी है, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री की है या ट्वेल्थ स्कूलिंग है, मीडियम इन सेक्शंस आपके इंग्लिश में थे, एकेडमिक बैकग्राउंड आपकी इंग्लिश में थी, तो आपको आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कैटेगरी ए की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एडमिशन प्रोसेस करने के लिए आपको मिनिमम ये रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कैटेगरी ए की कंट्रीज़ के अंदर में ये मिनिमम आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके साथ में ही कैटेगरी बी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी बी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो कि आपने लास्ट स्लाइड के अंदर में कैटेगरी बी के अंदर में कंट्रीज़ देखी थी, उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे। मिनिमम कैटेगरी बी के अंदर में 12th ग्रेड स्कूलिंग अगेन रिमेन सेम, आपको 12th ग्रेड स्कूलिंग चाहिए। परसेंटेज वाइज आप 55, एकेडमिक वाइज अगर आपके 55 परसेंटेज हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और IELTS IELTS जो है 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, गैप भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा कैटेगरी बी के अंदर में। और इसके अलावा IELTS आपको भी एग्जम्पशन रहेगी अगर आपने लास्ट स्टडी वाज इन इंग्लिश, अगर आपकी प्रीवियस स्टडी या आपकी प्रीवियस जॉब इंग्लिश में है, तो ये कैटेगरी बी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कैटेगरी बी के अंदर में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं उनके अंदर में एकेडमिक वाइज आपकी एजुकेशन वाइज ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी इन ऑर्डर टू गेट एन एडमिशन। ये एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट मिनिमम आपको कंप्लायंस करनी है, फुलफिल करनी है। इसके बाद ये कैटेगरी सी की जितनी भी कंट्रीज हैं हमने लास्ट स्लाइड के अंदर में हाईलाइट की है, उनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है मिनिमम 12th स्कूलिंग, परसेंटेज वाइज अगर आपके 55% हैं, नियर बाय हैं अकेडमिक वाइज, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। IELTS इज नॉट मैंडेटरी, किसी भी कंट्री में IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गैप एक्सेप्ट हो जाएगा। नॉन इंटरव्यू, इन सभी इंस्टीट्यूशंस और एम्बेसी के बीच में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगी। जैसे कि हालांकि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर में जो यूनिवर्सिटी है एडमिशन देने से पहले आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, लेकिन कैटेगरी सी के अंदर में आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। जो कि आपको मैं स्क्रीन के ऊपर मैं अभी दिखा रहा हूँ कैटेगरी सी, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे। उसके बाद जब आपने इन तीन कैटेगरी में से अपनी डिज़ायर कंट्री चूज कर ली अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर में दिखाया है कि नंबर ऑफ कंट्रीज कैटेगरी ए बी और सी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर में, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने इस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है और आपकी एलिजिबिलिटी इस कंट्री के लिए बनती है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आप कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेन इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है एडमिशन आप यूनिवर्सिटी में कैसे प्रोसेस करेंगे। तो जब आपने एडमिशन करनी होती है यूनिवर्सिटी में, उस समय आपके पास में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, प्रोग्राम की सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशंस, ये तीन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं फिर कि आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है आपके वीज़े के ऊपर भी रहेगा और आपकी एडमिशन इनरोलमेंट कन्फर्मेशन होने के ऊपर में भी रहेगा। अगर आपने बेटर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी चूज़ की है तो डेफिनेटली उसका आपको इम्पैक्ट रहेगा। और आप क्या आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, क्या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है आपके वीज़े के ऊपर में रहेगा। सो ये स्टेप्स हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के। जब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो ऑलवेज़ वी प्रेफरेंस कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन को प्रोसीड करें, और हम अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम भी प्रेफरेबल करते हैं स्टूडेंट की एडमिशन हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दिलवाने की कोशिश करते हैं। उसके एडवांटेज ये होते हैं, एक तो आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिलती है आपकी एजुकेशन को, क्योंकि आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को कम्प्लीट किया है। दूसरा, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी जो ट्यूशन फीस है उसके ऊपर में भी होता है, एज कंपेरेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरेटिवली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ट्यूशन फीसेज है लोअर होती है, इकोनॉमिकल होती है।
थर्डली आप जब वीज़ा प्रोसीड करेंगे एम्बेसी के साथ में अपनी होम कंट्री से और रेजिडेंस कंट्री से, उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है यूनिवर्सिटी का आपके वीज़ा के ऊपर पड़ता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का एक और इम्पॉर्टेंट मैटर होता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो आपने यूनिवर्सिटी में इनटेक्स कि आपका जो एजुकेशन है मेन कब स्टार्ट हो रही है, यू हैव टू कंसिडर दैट। तो यूरोप के अंदर में जो इनटेक होते हैं, मेजर इनटेक सेप्टेम्बर में होता है, मास्टर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मेजर सितंबर एंड अक्टूबर में। उसके बाद में नेक्स्ट इनटेक होता है जैन एंड फेब में। फेब के अंदर में जो स्कूलिंग वाले स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th ग्रेड किया हुआ है, उनके लिए ऑप्शंस कम होते हैं, लोअर लेस हो जाते हैं ऑप्शंस। सो सितंबर में मेजर इनटेक होता है, सितंबर अक्टूबर में जो आपकी क्लासेस बिगिन होगी यानी कि क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एडमिशन आप एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 months बिफोर, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होनी है उससे 4 to 5 महीने पहले एडमिशन प्रोसेस करनी होगी आपको। उसके रीज़न, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी में जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months का प्रोसेसिंग टाइम रहता है एडमिशन कन्फर्मेशन इनरोलमेंट तक का। उसके बाद में एम्बेसीज का भी टाइम चाहिए, एम्बेसीज को भी टाइम चाहिए आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months का एम्बेसी टाइम लेती है। तो मोर और लेस अगर आपने सितंबर या अक्टूबर इनटेक में आना है तो आप 4 to 5 महीने पहले अपनी एडमिशन को प्रोसेस करें। अगर आपने जनवरी या फेब में आना है तो आप अक्टूबर और नवंबर में अपनी एडमिशन को प्रोसेस करें। ये होता है इनटेक यूरोप का। दो ही इनटेक होते हैं पूरे यूरोप के अंदर में, जनवरी एंड फेब, सितंबर एंड अक्टूबर। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रोलिंग इनटेक्स आते रहते हैं एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद उनके रोलिंग इनटेक्स होते हैं, लेकिन वी प्रेफरेंस के आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन को प्रोसीड करें। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम की सिलेक्शन। जब भी आपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है कि आपको कौन सा डिग्री या कौन सा डिप्लोमा करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसका भी इम्पैक्ट आपके वीज़े के ऊपर में भी पड़ता है। इवन जब आपने किसी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने असेस योर प्रीवियस एजुकेशन, आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन को असेस करना है। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन, एवेल्युएट करियर प्रॉस्पेक्ट्स, कंसीडर ट्रांसफरेबल स्किल्स। सो ये जो 4 or 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको एनालाइज करना है प्रोग्राम सेलेक्ट करते समय। अगर आप फेल होते हो इनको एनालाइज करने में, इनको असेस करने में, तो उसका जो डी इफेक्ट है आपकी एडमिशन के ऊपर में और आपके वीज़ा के ऊपर में पड़ेगा। सो प्रोग्राम की सिलेक्ट करते समय आपने इन तमाम जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं हाइलाइट्स, इनका ध्यान रखना है कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने प्रोग्राम को अपने प्रीवियस एजुकेशन के साथ भी मैच करना है, फ्यूचर के साथ भी मैच करना है, जो आपके अंदर में करंट स्किल्स हैं उसके साथ भी मैच करना, और फ्यूचर में जो आप अपने डेवलप करना चाहते हो करियर के अंदर में वो भी मैच करना है। क्योंकि जब आप एडमिशन प्रोसेस करते हो तो यूनिवर्सिटी आपसे एक SOP की डिमांड करती है, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका पर्पस क्या है उस कंट्री के अंदर में आके स्टडी करने का या उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को चूज करने का, ये आपको डिफाइन करना होगा। फर्दर, what document you need in order to get an admission into the respective university? आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने हैं एडमिशन सक्सेस करने के लिए और रैंकिंग और या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेने के लिए? चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट 10th ऑनवर्ड, अकेडमिक पासिंग सर्टिफिकेट 10th ऑनवर्ड, वैलिड पासपोर्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है, या कोई इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करे कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, रिकमेंडेशन लेटर एंड आपका अपडेटेड CV, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इन ऑर्डर टू प्रोसेस फॉर एन एडमिशन। इसके साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे होंगे टॉप पे, द डॉक्यूमेंट मे बी रिक्वायर्ड एन अपोस्टल एंड टेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस है वहाँ से इन डॉक्यूमेंट को आप अथेंटिकेट रिकोगनाइज अपोस्टल करवाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सके। सो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे
अटेस्टेशन अथेंटिकेशन की डिमांड कर सकती हैं. समटाइम इन द इनिशियल स्टेज वी डोंट नीड दैट, इन द इनिशियल स्टेज वी कैन प्रोसेस विदाउट अ पोस्टल, लेकिन लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ वीजा सबमिशन, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपको ये अथेंटिकेशन करवानी मैंडेटरी होगी. उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की फीसेस की बात कर लेते हैं. यूनिवर्सिटी की तीन तरह की फीसेस होती हैं. एक एप्लीकेशन फीस होती है जब हमने स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन, फिर इनरोलमेंट फीस होती है, फिर ट्यूशन फीस होती है. एप्लीकेशन फीस कंसिस्ट नॉन रिफंडेबल होती है ऑलवेज जब भी हम पे करते हैं, और इनरोलमेंट फीस मोस्ट ऑफ केसेस में तभी ली जाती है जब आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, यानी कि सीट कंफर्मेशन इनरोलमेंट फीस कंसिस्ट होती है. ट्यूशन फीस जो आपकी एनुअल स्टडी होगी उसको हम ट्यूशन फीस कंसीडर करते हैं. एप्लीकेशन फीस कितनी होती है यूरोप के अंदर में प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में? 70 to 150 यूरो. और इनरोलमेंट फीस 350 to 750 यूरो, और ट्यूशन फीस 2000 to 7000 यूरो, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. ये बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोसीड कर रहे हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोसीड कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की फीस 70 यूरो और 100 यूरो और 150 यूरो एप्लीकेशन फीस. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इनरोलमेंट फीस नहीं लगेगी आपकी, डायरेक्टली आपको ट्यूशन फीस जो है ट्रांसफ़र करनी होती है. और कुछ ऐसी कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर में इनरोलमेंट फीस भी आपको पे करनी होगी 350 यूरो से लेकर के 750 यूरो तक. मोरओवर अगर हम कैलकुलेट करें तो एस्टिमेटेड यूनिवर्सिटी की कॉस्ट, इधर हम एप्लीकेशन फीस को ऐड ऑन कर लें, इनरोलमेंट फीस को ऐड ऑन कर लें, एस्टिमेटेड कॉस्ट एनुअल फीस 5000 यूरो तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड योर प्रोग्राम. ये सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद फाइनली आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर, यानी कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्मेशन हो जाती है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो मिल जाता है. ये जो एडमिशन का है फाइनल प्रोसेस, उसके बाद फर्दर आपको वीज़ा की प्रोसीडिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में एक्सप्लेन करेंगे. पहले पार्ट के अंदर में हमने असेसमेंट के बारे में बताया, जो कि आपने कैसे एवेल्युएट करना अपनी प्रोफाइल को और असेस करना है. दूसरे पार्ट के अंदर में हमने आपकी एडमिशन के बारे में बताया, और फाइनली आपने एडमिशन एक्सेप्टेंस हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, और आपको जो कन्फर्मेशन लेटर है यूनिवर्सिटी से मिल जाता है. नेक्स्ट स्लाइड जो वीज़ा प्रोसेसिंग की है, स्टेप बाय स्टेप अपनी होम कंट्री से या रेजिडेंस कंट्री से रिस्पेक्टिव एम्बेसी के साथ आप अपना वीज़ा जो है कैसे प्रोसेस करेंगे एडमिशन अचीव होने के बाद. उसके स्लाइड्स को हमने कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको कंप्लायंस कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करते समय, और कौन से इम्पोर्टेंट अथेंटिकेशंस करवानी है डॉक्यूमेंट की अपना वीज़ा अप्लाई करते समय, और इसके अलावा इन एडिशन रिगार्डिंग इंटरव्यू एंड रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड के जरिए आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. आपकी एडमिशन का कन्फर्मेशन होना यूनिवर्सिटी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेजर डॉक्यूमेंट है कि आपके पास यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस हो, ताकि आप अदर डॉक्यूमेंट्स जो है गैदर करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर में प्रोसीड करें. तो स्टेप वन के अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर हो, तो उसके तुरंत बाद आपको स्टेप टू में अनदर डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करने हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए. आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो भी आपने यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट किया है अचीव किया है, वीज़ा एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट 8 to 10,000 यूरो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर में, आपके स्पॉन्सर यानी कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट के अंदर में होने चाहिए. इसके अलावा प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपको एज एन स्टूडेंट 1 year का हेल्थ इंश्योरेंस भी बनाना होगा. देन आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट 10th onward का है, अगर आपने 10th की है उसके बाद में अपने 12th grade स्कूलिंग की है, या फिर आपने यूनिवर्सिटी में डिग्री की है, ऑल डॉक्यूमेंट 10th onward should be apostille and attestation and authenticate from Ministry of Foreign Affairs from your home country or respective country where from you have done the last education.
ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से अपोस्टल एंड टेस्टेड होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ, यानी कि अगर तो आपके पास में आपने आईलेट्स की हुई है तो आईलेट्स का सर्टिफिकेट, अगर आपने आईलेट्स नहीं की हुई तो आपके पास आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से या फिर अपने एम्प्लॉयर से आप एक डिक्लेरेशन बनवाएंगे जिसमें ये डिक्लेयर करेगा आपका एम्प्लॉयर या आपका लास्ट इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आपकी जो लास्ट स्टडी वाज इन इंग्लिश, तो एज एन प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश टेस्ट आपको साथ में अटैच करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको अपनी स्टेटमेंट में यानी कि एक मोटिवेशन लेटर आपको एम्बेसी को देना होगा जिसके अंदर में ये डिफाइन करेंगे आपका रीज़न क्या है कि इस स्पेसिफिक कंट्री में स्टडी करने का, और आपका रीज़न क्या है कि आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहे हैं, और आपका रीज़न क्या है कि ये जो प्रोग्राम है आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है आपके फ्यूचर को ग्रोथ के लिए, और स्टडी करने के बाद आपका क्या प्लान है। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एम्बेसी को डिफाइन करनी होगी। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपको अपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी देना है कि जब आपका वीज़ा एम्बेसी ग्रांट करती है तो यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग योर स्टडी वेयर यू विल बी स्टे, आप कहाँ पे स्टे करेंगे, आपको एक प्रूफ होटल एयरबीएनबी या फिर यूनिवर्सिटी की ओर से कन्फर्मेशन लेटर या फिर किसी थर्ड पार्टी की ओर से अकोमोडेशन प्रूफ साथ में अटैच करना होगा। ट्रैवल एटनरी, आपने अपनी ट्रैवल एटनरी भी अटैच करनी है यानी कि टिकट अटैच करनी है कि कौन सी डेट को आप ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यानी कि आपकी कंट्री के अंदर किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर में क्राइम नहीं है, तो ये तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। मे एम्बेसी आस्क एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम योर होम कंट्री और फ्रॉम योर रेजिडेंस कंट्री और फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो या फिर किसी तरह का ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट एम्बेसी आपसे एडिशनल डिमांड कर सकती है। ये जो है स्टेप टू की प्रोसीडिंग है वीज़ा अप्लाई करते समय। जैसे ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास गैदर हो जाते हैं, देर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एम्बेसी के अंदर में अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें इन ऑर्डर टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कंसल्टेशन देने वाला पॉइंट है कि एम्बेसी जो आप जिस कंट्री से भी अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो क्या वहाँ पे जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं क्विकली एंड फास्ट एंड ईजी मिल जाते हैं, और आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं कि उस प्रोग्राम के लिए एम्बेसी के पास आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट के लिए स्लॉट या अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस, जब हम एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं उसी समय इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ही आपकी एडमिशन कन्फर्मेशन होती है तो इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ गैदर करते हुए आपको एम्बेसी के अंदर में अपॉइंटमेंट भी कलेक्ट करनी है इन ऑर्डर टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। जैसे ही आपके पास में स्केड्यूल हो जाती है, अब अपनी इस स्टेप के अंदर में जो है वन के अंदर में अपनी फाइल को एम्बेसी के साथ सबमिट करते हो। सबमिशन के बाद जो आपका स्टेप टू है, डिसीजन मेकिंग से पहले एम्बेसी आपकी डिफरेंट एंगल से आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करती है, आपकी प्रोफाइल को चेक करती है, वेरिफिकेशन करती है, बैकग्राउंड चेक करती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती है डिसीजन मेकिंग से पहले। इन केस एम्बेसी को किसी तरह का कोई सस्पेक्ट या कन्फ्यूज़न होती है तो आपको नोटिफिकेशन भेज के एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, उसके बाद में आपका जो फाइनल है वीज़ा स्टैम्प करती है आपके पासपोर्ट के ऊपर में। इस तमाम कंप्लीट प्रोसेस को जो एम्बेसी का प्रोसेस है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मंथ का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो एम्बेसी जो प्रोसेसिंग टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मंथ प्रोसेसिंग टाइम लगा सकती है डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी, किस एम्बेसी में किस कॉन्सुलेट सेक्शन में आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया अपॉइंटमेंट लेने का और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने का और उसके बाद में इंटरनल वर्क जो एम्बेसी के अंदर में है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर में फाइनल डिसीजन लेने तक यानी कि पासपोर्ट के ऊपर में वीज़ा स्टैम्पिंग करने तक, जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो दैट टाइम यू हैव टू डिपॉजिट जो फीसेज हैं एम्बेसी रिलेटेड, जो फीसेज होती हैं वो कौन सी फीसेज होती हैं जो आपने एम्बेसी को पे करनी है और एम्बेसी के रिलेटेड फीसेज कितनी हो सकती हैं उसके बारे में भी हमने डिफाइन किया है। एक तो एम्बेसी के साथ जो एम्बेसी फीस चार्ज करती है, वीज़ा एप्लीकेशन फीस लेती है, हेल्थ इंश्योरेंस
आपको आउटसाइड से लेना है, समटाइम एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर में कंपनीज की लिस्ट होती है, उस वहाँ से आप अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अथेंटिकेशन फीसेस होती हैं जो आपको पे करनी होती है, जो ऑन एन एवरेज एप्लीकेशन फ़ीस होती है 70 to 150 यूरो एम्बेसी की फ़ीस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस 100 to 200 यूरो पर एनम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर एज के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है, और डॉक्यूमेंट अथेंटिकेशन की फ़ीस जो कि आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्टेशन या ट्रांसलेशन करवानी है 50 to 100 यूरो, वो आपकी एक जो कॉस्ट है एम्बेसी से रिलेटेड आपको पे करनी है। एस्टिमेटर एम्बेसी के बीच आपको 300 यूरो जो है ओवरऑल कॉस्ट पे करनी होती है। ये जो चार्जेस होते हैं एम्बेसी के होते हैं, ये किसी कंसल्टेंट के नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के नहीं है। ये जो चार्जेस मैंने बताए तीन तरह के, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, इंश्योरेंस, अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो फीसेज हैं एम्बेसी से रिलेट करती हैं, जो कि आपको एम्बेसी के टाइम वीज़ा अप्लाई करते समय एम्बेसी को पे करनी है। एम्बेसी की प्रोसेसिंग के बाद आपके वीज़े का जो है फाइनल डिसीज़न विद इन 2 to 4 months आ जाता है। डिसीज़न आने के बाद नाउ यू कैन ट्रैवल, आपका वीज़ा लग चुका है और अभी आप अपनी डिज़ायर कंट्री और डिज़ायर यूनिवर्सिटी में और रीसेटल होने के लिए यूरोप के अंदर में आ सकते हैं वीज़ा लेके। जैसे आप वीज़ा लेके यूरोप के अंदर आते हैं तो कुछ आने के बाद जो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज हैं वो कंप्लायंस करनी होती है, जैसे कि आपको अपना जो अकाउंट है वो खोलना होता है बैंक के अंदर में, या फिर अपना जो रेजिडेंसी कार्ड है वो प्रोसीड करना होता है आने के बाद। ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कंप्लायंस करनी है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाते हो, और यूनिवर्सिटी के अंदर में आपने अपनी अपीयरेंस, अपनी प्रेजेंस जो अटेंडेंस है वो स्टार्ट करनी है। तो तमाम तरह की और जो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज है इसमें हमारी टीम आपको असिस्ट कर सकती है पहुंचने के बाद। और इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ यूरोप में आने के बाद आपके लिए डोर जो है ओपन हो जाते हैं, जो कि आप हमारी टीम और हमारी कंपनी से कंसल्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टॉप एक्सपर्ट के साथ जूम सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहते हो, डीप डिटेल अपनी डिज़ायर कंट्री के अकॉर्डिंग डिस्कशंस करना चाहते हो, तो आप जूम सेशन बुक कर सकते हो टॉप एक्सपर्ट के साथ। स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे होंगे तमाम टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा आप तमाम नंबर हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जो हमारे स्टडी एक्सपर्ट हैं या स्टडी डिपार्टमेंट वाले काउंसलर हैं वो आपको टॉप एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर कन्वर्सेशन के लिए। सो, मैं समझता हूँ कि ये तीन स्टेप हैं आपकी यूरोप में आने से पहले असेसमेंट, एडमिशन एंड वीज़ा, इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूज़न आपके पास में है तो आप हमारी टीम से राबता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए।